एग्री करता हूँ, लेकिन आज का डिबेट का टॉपिक वो नहीं है। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं कि वन कोर में ही हमने उसको पूछा जी, आपने ये बताओ कि वन कोर से पहले हमने कभी किसी को पूछा है नागरिक मोहिता बारे में? नहीं नहीं पूछा है। तो नारायण भोई को लेके बन कोर क्यों किया, यही आप पूछा जी। तो उसका जवाब दो, बन कोर क्यों सही है? सर वो तो मैंने कभी बोला नहीं सही है करके। नहीं नहीं, हमने अपने कभी मुझे देखा है और बन कोर से पहले नारायण भोई के बारे में पब्लिक को पूछते हुए नहीं देखा। तो किस लिए ऐसे आपने बोला है कि ये हम गलत बोल रहे हैं, गलत पूछ रहा है? क्योंकि सर वो लोग यही तरह से, तो उनको मालूम नहीं है, बस वो लोग जो है सपोर्ट करने के लिए आए कि स्टूडेंट का जो उनका जो बच्चा है वो लोग पढ़ाई करे, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि पेपर सेल हो रहे हैं। तो नरेंद्र कोई टर्म पर्टिकुलर उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन उनको मालूम है कि जो डिमांड्स था सबसे पहले 30 पॉइंट्स था, तो गवर्नमेंट ने बोला फरवरी 3 को फुलफिल करेगा। मैं निपो नाम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र कोई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छोड़ के जो रिमेनिंग 11 पॉइंट्स हैं, उनमें से भी मेरे ख्याल से ये 2 या 3 पॉइंट्स सॉल्व हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था उनका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और ये निपुण अमन वाला को भी कुछ रिकमेंडेशन करेगा बोला था, ऐसे तो वो सब नहीं हुआ। आप तब तो आप मीडिया वाला भी इधर है जी, होम मिनिस्टर का यहाँ में जो मीटिंग हुआ है वहाँ में होम मिनिस्टर ये निपुण अमन का एरेस, और अभी हम जितना भी एरेस किया है और बनकोल में 21 लोग है वो पूरा निपुण अमन का एरेस का बारे में बात कर रहा है। आप निपुण अमन का बात नहीं करेगा बोल रहे नहीं करेगा तो इसलिए अब निपुण अमन का बात करना होगा, क्योंकि बनकोल का जो मेन उन लोग का मेन मुद्दा है जी, चाहे नारी शक्ति हो जी, या कोई भी हो, यहाँ में मीडिया लोग भी आप उसको पूछ सकता है। निपुण अमन का पॉइंट इज द जब फरवरी 18 में मीटिंग हुआ था, जब पूरा सेक्रेटरी को लोगों ने घेर किया था, तब रिजल्ट ये निकला था कि सीएम सर खुद बोले कि होगा, तो उसको ट्रस्ट करके सब लोग निकल गए कि होगा, रिकमेंडेशन करेंगे। बाद में क्या होता है कि कुछ रिकमेंडेशन नहीं करता है, जो माइनिट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उस दिन का उसको सेम क्वेश्चन फॉरवर्ड करता है, उसमें रिकमेंडेशन चला जाता है, तो उससे फ्रस्ट्रेटेड है कि नाइन मीट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रिकमेंड तो कर सकता है कि सीएम सर ये तो लिख सकता है कि यू शुड थिंक अबाउट नल एंड वॉइड, ऐसा लिख सकता है जो नया कमीशन आएगा, वो बात है। और वैसे इसमें सर ये मतलब अभी आपने बोला कि निपुण अमन और ये नलिंग पॉइंट, लेकिन दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रिसेंटली जुड़ा है, जो अभी का बल्क नहीं है ही बात हुआ। नहीं सर वो दो पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि एसटी डुप्लीकेट एसटी जो निकाल के प्रॉब्लम मामलों करती है वो भी आया इसमें सर। नहीं इसमें सर तुमने बोला नहीं नहीं, इसमें वो अभी जो होम मिनिस्टर का यहाँ पे जो ब्रीफिंग है। अच्छा, यहाँ होम मिनिस्टर का ब्रीफिंग में आप लोगों में से कौन था लास्ट ब्रीफिंग? हाँ, उसमें क्या क्या पॉइंट था जो उन्होंने जो बोल रहा था? सर वो लास्ट में जो करेंट बोर्ड को ना मतलब वो लोग लिख दिया बोले कमीशन को ना, वो जब कमीशन गठन करेगा तब जो कमीशन में आएगा ना वो लोग तब तय करेगा बोला। और बाकी बात तो बन को का बात ही था, क्यों बोलते ये नहीं दिया अभी तक उसका लिखा है, बोला तो है सबूत नहीं दिया हम लोग। आप बोले हैं क्योंकि हम जो बन कोलर्स को मिला है उनका कहना है कि ये जो नारायण भोई लड़का है ना लड़की है हम उसको पिक करने दी लेते हैं जी, तो आप उसको समझाइए कैसे पिक करेगा उसको जी। तो
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का ना, तो आप गवर्नमेंट आप चला रहे तो पब्लिक के लिए काम करना, आपका ड्यूटी करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। विदाउट कमीशन में भी आप कर सकता था, आप नोटिफिकेशन जारी कर सकता था, आप जो है कि उसमें वो बुला के आपका आपका मिनिस्टर एमएलए को आपका मोबाइल वहाँ से गूगल में देखिए आर्टिकल 316 और फिर ए तो मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं। वो ये कहता है कि अगर कमीशन कुछ वजह से वो हो गया, डाइल्यूट हो गया या डिसॉल्व हो गया, तो जो गवर्नर है, गवर्नर और जो एक एक जॉइंट कमिश्नर ऐसा कुछ फर्म है, जॉइंट कमिश्नर कुछ है, वो दोनों मिलके, दो आदमी मिलके कमीशन चला सकते हैं, मतलब एक ही पीएससी को चला सकते हैं, ऐसा लिखा है। दो आदमी मिलके गवर्नर और ये आर्टिकल लागू नहीं होगा क्योंकि ये डिसॉल्व हुआ ही नहीं है। नहीं सर, डिसॉल्व का बताइए, एक आदमी रिमेकिंग, आप बोला है डिसॉल्व होने से, डिसॉल्व मतलब रिमेकिंग लॉ, दिस इज इन वन एम ना, दिस इज जस्ट वन बस इज वन ना, रुको इसको पढ़ने आप और तो सर ये यहाँ लिखा है इफ द कमीशन ऑफ द चेयरमैन शायद पता नहीं ये है कि नहीं, मैंने आर्टिकल 1316 क्लोज ए क्लोज वन क्लोज वन ए का मीनिंग लिया। इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन बिकम्स वैकेंट इफ एनी सच चेयरमैन इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और फॉर एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस दोज ड्यूटीज सेल अंटिल सम पर्सन अपॉइंटेड under clause bracket 1 to the vacant office has entered on the duties thereof or as the case may be until the chairman has resumed his duties be performed by such one of other members one of other governor ये गवर्नर तो नहीं आया पसंद आया एस कमिश्नर वो यू 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 सेंट्रल का है वो यूपीएससी का है उसका तो भाई उसका पढ़िए हां उसका बात यहां लिखा है प्रेसिडेंट In the case of the Union Commission or Joint Commission and the governor of the state in the case of the state in the case of a state commission may be appointed for the purpose. वो वाला second वाला है state का। तो आगे तो दिखा नहीं। हाँ नहीं वही वही अभी तो हम last में पढ़ा governor और एक member का। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं governor क्या बोल रहे हैं? सर अगर कोई एक instance बता दीजिए कोई state में इस प्रकार से ये हुआ है। कोई स्टेप कोई क्योंकि इसका ये एग्जांपल एक तो बताइए सर एग्जांपल तो नहीं लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस है तो मतलब कि प्रोविजन है तो अप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से अगर प्रोविजन है तो अप्लाई कर सकते हैं हुआ नहीं है सर एग्जैक्टली क्या लिखा है आप अच्छा से पढ़ो गवर्नर फंक्शन करेगा गवर्नर सर रिपोर्ट मैं करके बताया क्योंकि ये जो है इसलिए पब्लिक लोग जानना चाहता है ना नॉलेज के लिए आर्टिकल 316 सबसेक्शन सेक्शन वन और प्रोविजो प्रोविजो नहीं वन ये हाँ तो इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन बिकम्स वैकेंट और इफ एनी सच चेयरमैन इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और फॉर एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस मतलब कि चेयरमैन का पोजीशन अभी वैकेंट होने से फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल में निपो नाम चला गया उस तरह का वैकेंट हो गया दोज ड्यूटीज शैल Until some persons appointed under clause 1 to the vacant office has entered on the duties thereof, or as the case may be, until the chairman has resumed his duties, can be performed by one of the other members of the commission.